गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार समस्तंकु स्वागत भाग्यर पावन परिसर को। आम राम नवमी पालन करथिले सीता नवमी पालन करुचे। राम को भी नवमी दियागला सीता को भी नवमी दियागला। जन्माष्टमी कृष्ण को अष्टमी दियागला राधा को अष्टमी दियागला। माने पत्नीर जगह जो पतिर जगह भी सेठी। एबे देखंतु आमे लॉकडाउन भितरे छुट्टी रे सेमाने घरे तांको काम चली अतः नारी जाति को सम्मान दबा आमर काम से भौणी हूँ माँ हूँ स्त्री हूँ जी भी हूँ कहार ना कहार आम जीवन पाई गोटे बड़ भूमिका थी आमर ताई किसी भूमिका था कि न था एक कथा सहित आसतु जाणवा आज पंजिका संपर्क करे। आज एक पांच 2021 शुक्रवार वैशाख मास शुक्लपक्ष चंद्रमा सिंह राशि राति 9:05 पर्यंत रहिबे तापरे जाउचंती कन्या राशि को। तिथि नवमी दिवा 11:11 पर्यंत रहिबे तापरे दशमी भोग हेबे नक्षत्र प्रभा फाल्गुनी दिवा 3:21 परे उतारा फाल्गुनी भोग हेबे। आज राहु काल अवधि दिवा 10:05 रु 11:43 जो समय भीतर आपण माने टिके सतर्क रहिबे। शुभ समय 12:09 रु 2:45 घात बार बिच्छा धनु ओ मीन राशि पाई घात चंद्र कर्कट ओ मकर राशि राति 9:55 परे कुंभ राशि घात चंद्र भोग हेबे जितेबे चंद्रमा के स्थान परिवर्तन होउचंती। एबे आसंतु प्रथम चारोटी राशि मान के संपर्क कर जानि नबा। मेष राशि देह मन भल रहिबो कर्म चंचल रहिबे कर्म क्षेत्र रे अधीनस्थ कर्मचारी के सहयोग पाइबे अकस्मात धन प्राप्ति रे योग रहिचंती व्यवसाय सफलता पाइब। पंचमस्त चंद्र द्वितीयस्थ ग्रह मानकर सुंदर प्रभाव तृतीय भाव रे मंगल आपन को जीवन को उज्जीवित करिब कर्म क्षेत्र को निरणित करिब प्रतिकार हनुमान चालीसार पाठ करंतु। वृष राशि दायित्ववान हेबे कर्म चंचल रहिबे आशा करथुवा दिगुरु अर्थ प्राप्ति घटिब सुसंवाद प्राप्ति हेबे दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। प्रिय बंधु प्रिय परिजन प्रिय मनुष्य एमान सहित एकाठी हेबे नवागत अतिथि घर को आगमन घटिपे किसी सेलिब्रेसन माहौल तैयारी गायत्री मंत्र जप करते। मिथुन राशि शरीर सुस्थ रहिबो दृढ़ मना हो समस्त कार्य निर्वाह करिबे आय अव्याहत रहिबो व्यवसायिक सफलता प्राप्त करिबे राजनीतिक व्यक्ति विशेष निजर प्राधान्य जाहिर करिबे। आज पूरा मानसिक स्तर में आप दृढ़ हेबे स्वास्थ्य आपंकर बेस बढ़िया रहिबो प्रतिकार छुआ मान उद्देश्य रे खाद्य पदार्थ अर्पण करंतु। कर्कट राशि सामयिक सारी शरीर पीड़ा भोगिबे कौनसी बात विवाद रे जड़ित ही पारंती धार करज आदि करी पारंती व्यवसाय रे स्वल्प लाभयुक्त हेबे पारिवारिक जीवन अशांति देखा दे पारे कारण द्वादश भाव रे मंगल रहिले तार प्रभाव किछि परिमाण रे आपण भोग करी पारंती। द्वितीयस्थ चंद्रमा आपनको स्वास्थ्य उपर सामयिक खराब प्रभाव पकेबे हेल्थ रे जतन रे प्रतिकार सामान्य मोहु आपण जदि शिव को अर्पण कर पार्टी दृढ़ आप भल एबे जने दर्शक आम सहित फोन लाइन कनेक्ट अच्छा। हेलो हेलो मैडम मुझे शुनी पार्टी आपर वॉल्यूम टीवी साउंड को पूरा कम कर दिंतु किए कहते कौट कहते नमस्कार क्या विषय जानवाक चाहिए पूरा डेट ऑफ बर्थ आउ टाइम कह 2000 जून 21 घंटे अच्छा राती पाइले सर राती पाइले 22 तारीख हो आज्ञा। जन्मस्थान कोठी जन्मस्थान जन्मस्थान कोरापुट। अच्छा ठीक अच्छे प्रश्न कौन अच्छी कौन जानबक चाहूचंती कौन जानबक चाहूचंती प्रश्न अच्छी राहु महादशा चली राहु मंगल अंतर्दशा
ये जातकरे चंद्रमांक घरे राहुंकर अवस्थान ये जातकरे मंगलंकर स्थिति जहाँ कहूँ ये छुआर पाठ पढ़ा उपर एते बेसी आग्रह रही मन रखन्तु 2021 डिसेंबर मास पर्यंत ये छुआर जातकरे राहुंकर अवस्थान रहुचंती तेणुकर से ही पर्यंत ये छुआपाई टिके असुविधार सामना करिबाकु पड़ी पारे जितेबाला राहुंकर समय सरी जाउचंती 28 डिसेंबर 2021 रु आरंभ होउचंती बृहस्पति जातकरे बृहस्पतिंकर स्थिति बेस सुदृढ़ अछंती एवं तृतीय भाव रे अछंती तेणुकर ये छुआर कर्म जीवन उपर गोटे सुंदर प्रभाव पड़िब 21 डिसेंबर पर्यंत टिके असुविधा रहिचंती मंगल राहुंकर जुक्ति हबा इच्छुक आडभाइज करंतु जे सबुदिन सुंदराकांडर पाठ करू एवं प्रति मंगलवार दिन बजरंग बाली को लाल रंगर जेकोसी फूल सिंदूर अर्पण करंतु 21 डिसेंबर पर्यंत 21 डिसेंबर पर जितेबेले बृहस्पति आरंभ घटुचंती से समय एंक पाई भल रहइब किंतु जदि बृहस्पति शनि युक्त अछि शनि खराब प्रभाव रहइब सेई टाइम रे आपण तीनोटी शनिवार गोटे गोटे गिनारे गोटे स्टील रो गिनारे तेल को पूर्ण करिवे तादरे गोटे छोटिया पैसा पकईकि तादरे छुआर निज मुह को देखेकि आपण ताको पानी रे विसर्जन करदेवे ई सब जिनस आपण 22 डिसेंबर बेलकु करिवे एबे जहाँ प्रतिकार कहले सेटा को करनियंतु 21 डिसेंबर पर आपण को ई छुआर बहुत भल समय आसीबे एबे आउ जने दर्शक आम सहित फोन लाइन रे कनेक्ट अछन हेलो हेलो सुनि पारुछि सर के कहथले कोड कहथले आज्ञा पिपिली बंतल सिंह रु कहउछन्ती कहा विषय जानबाक चाहिबे आज्ञा मोर विषय आपण को डेट ऑफ बर्थ और टाइम दियंतु या 1999 आज्ञा 1999 तारीख कहुंतु मसीहा कहुंतु आज्ञा चैत्र मास 1999 इंग्रजी रे कहुंतु सर तारीख मास मसीहा आज्ञा 1999 आमर आउ जून मास 2 तारीख 2 जून 1999 आज्ञा टाइम कहुंतु आज्ञा टाइम टाइम जन्म समय 4:34 दिन ना राति आज्ञा भोर समय भोर अच्छा राति पाइले केत तारीख हबो आज्ञा राति पाइले 3 तारीख हेतन राति पाइले 3 तारीख हेतन जन्मस्थान पमसरा टिपिन अच्छा ठीक अछि पूरी डिस्ट्रिक्ट रे कथा ये तो कोन क्वेश्चन अछि आपनकर कोन प्रश्न अछि जानबा पाइ आज्ञा भल अछि कि नै घर करबा छला तो आगु को घर करबा को चाहु छथि आपन 89 डेट ऑफ बर्थ आपन निजे घर करबा को चाहु छथि ना घरे बाबा मां घर करबा को चाहु छथि आपण निजे चाहूँ राहु महादशार आपण चली मंगल आसवे 2024 चली शुक्र 13 मे 2019 13 मे 2022 पर्यंत राहु रे शुक्रंकर अंतर्दशा रहिबे गृह निर्माण युग कथा आपण कहिले निश्चित भाव आपण घर करिपारिबे बंधु 13 मे 2022 पूर्व आपण गृह निर्माण युग सुंदर भाव रही आगक 2024 पूर्व आपण गोटे सुंदर घर टी तैयारी कर सारीथिबे एबेरे समय अत्यंत भल समय द्वितीय भाव रे शुक्र एवं मंगलंकर अवस्था रे आपनको भाग्य को द्विगुणित करिवो अर्थ आगमन रास्ता को सुंदर भाव रे तैयारी करिवो प्रत्येक दिन आपन श्री बीज मंत्र को तुलसी माळ रे 108 थोर जप करंतु निश्चित भाव रे गृह निर्माण पई गुटे सुंदर सुजोग तैयारी हिजबे बा आउ जने दर्शक आम सहित अछंती हेलो हेलो सुनी पारुछि सर के कहथले कोड कहथले सर नमस्कार सर नमस्कार सिस कहथले पुरी रु का विषय जानबा चाहिबे सर मोर विषय जानबे आपन को डेट ऑफ बर्थ और टाइम दियंतु 1987 आगे टाइम कहंतु सर राती 11:30 राती 11:30 जन्म स्थान कोठी पुरी साक्षी गोपाल कोन प्रश्न अछि सर मोर किछि काम किछि करि परने किछि ठीक ठाक हे परने सब तो किछि त करि परने वर्तमान बृहस्पति महादशा अपन कर चली चंती सप्तम भाव रे बृहस्पति मंगल अंक घरे अष्टम भाव रे षष्ठ भाव रे राहु बृहस्पति अंक घरे एवं षष्ठाधिपति बृहस्पति सप्तम रे अवस्थान करु चंती मंगल अंक घरे मंगल अंक स्थिति ए जातक रे एकादशस्थ हि कि अछंती वर्तमान 2006-2022 स्थिति एबे राहु महादशा चली चंती बृहस्पति राहु उभयंकर खराब प्रभाव आपन को मानसिक शांति
मानसिक स्तर में गोटे विचलितता आपतर देखादेव केत निर्णय ने उत्तर आपड़ निजे निजक भी देपारे तो बृहस्पतिर राहु ये सरबे 2022 8 सेप्टेम्बर 2022 बेलू जितेबाला शनि से समय आरंभ होती ये जातक शनि निश्चित भाव में भाग्यर अधिपति अच्छा आयर अधिपति अच्छा से समय आपन बहुत बढ़िया रो तो 8 सेप्टेम्बर 2022 पर्यंत ये जातक टिके समस्या रहिबो बृहस्पति खराब अच्छा राहु भी खराब अच्छा आप दुईटी कम करते प्रथम कमटी है गोटे येलो सफेयर आप रिंग फिंगर में 5 रती 6 रती गोल्ड में सुनारे आप पिंधि दिंतु एक द्वितीय कथी आप प्रत्येक दिन आपण खाइबार किसी अंश बाहर रखिदिंतु जमीन कुकुर मैंने खाईपर एवं बलका चारोटी राशि मान संपर्क जाणी ना सिंह राशि संपर्क जाणी मानसिक शांति बजाय रखिए समस्त कार्य सफलतार सहित निर्वाह करिवे दान धर्म प्रति मन बळिबो आय वृद्धि पाइबो व्यवसाय रे उन्नति परिलक्षित होबो पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण होबो सिंह राशि व्यक्ति माने लग्नस्थ चंद्रमा एवं ग्रह मानकर सुंदर प्रभाव आपन को जीवन को आज निश्चित भाव में उज्ज्वलित करिवो प्रतिकार आपन को आज दिन में क्लीन विजय मंत्र को जप करिवार अछि कन्या राशि शरीर सुस्थ रहिबो कर्म तत्पर हेबे कर्म क्षेत्र में सफलता पाइबे आय अव्याहत व्यवसाय लाभप्रद हो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी मनोनिवेश करिबे किंतु द्वादश भाव में चंद्रमांकर अवस्थान आपण को किसी द्रव्य हरेबा को पड़िपे किसी द्रव्य हानि हो पारे किसी द्रव्य नष्ट हो पारे किसी द्रव्य चोरी हो जाए किसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनस खराब हो जाए अतः आपन को आज दिन में गायत्री मंत्र जप करिवार अछि तुला राशि देह और मन भल रय तुलन व्यय अधिक रह को बंधु आगमन हो पारती व्यवसाय सफलता प्राप्ति करेंगे सतान चिंतार रे आज अर्थ प्राप्तिर दिन रदि व्यय आपणकर घटव शत्रु मान कबल रक्षा पाइबा चेष्टा करूँ प्रतिकार आपन को आज धला फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण करार अच्छे विच्छा राशि सामान्य कथा को केंद्र करी विवादीय परिस्थिति उपजी पारे खर्चांत हो पारती दूर यात्रा निवृत्त रुहतु पारिवारिक जीवन रे भूल बुझामणा देखा दे पारे किंतु कर्म जीवन आपणकर बढ़िया रहिबो कर्म प्राप्ति रो सुंदर जुग आपण को पाई देखा जाउचंती कर्म बाकी थिबा हो पार नथिबा अटकी थिबा कर्म को आज दिन रे करी आपण निश्चित भाव रे सफलता पाइबे ओम अंगारकाय नमः ए मंत्र को जप करंतु एबे जड़े दर्शक आम सहित जोड़ी सारी चंती हेलो सर नमस्कार नमस्कार की कहउथले कोट कोट अनुगुरु अनुगुरु कहउथली सर म जियारी बिषय रे जानियो जियारी रो डेट ऑफ बर्थ और टाइम कोंतु 23/9/1997 टाइम हला 8:45 8:45 दिन ना राती दिन 8:45 दिन आगे जन्मस्थान कोठी भुवनेश्वर कौन प्रश्न अछि मंगल द्वितीय भाव अवस्थान कर मैडम ये जातक मांगलिक जुगर जातक कही तुला लग्न जितेबाला जातक ऑटोमेटिक मंगल दोष को पलाए पुणी द्वितीय भाव में मंगल सुगृही बलवान अच्छा छुआ टे जिद्दिया हम ये छुआ टे दृढ़ मना हम टे दृढ़ विश्वास अखंड विश्वास निजर निज उपर रहिबो विलंबर लक्षण दुईटी कारण देखा जाउचंती जेहेतु तुला लग्न लग्न में शुक्र पावरफुल अच्छा मंगल पावरफुल अच्छा जो वैवाहिक जीवन में विलंबर कथा देखा जाउचंती विवाह केबे हम ताको नहीं जदि आपन क्वेश्चन करेंगे तो जातक रे पॉसिबिलिटीज आम कहीपर जे वर्तमान समय जेतु शनि चली शनि पीरियड में विवाह कथा देखा जाऊनी कारण शनि घरे बृहस्पति अवस्थान करवा शनि घरे केतु अवस्थान करवा 2023 पर्यंत ये छुआर वैवाहिक जीवन प्रारंभ होबारे बाधा आसीपे जो बुद्धंकर समय आरंभ होती से समय 2023-2025 ये छुआर विवाह अनुकूल समय निश्चित भाव में आणव किंतु ता पूर्वर विवाह करेबा आपण दैनिक ये छुआर गाधेबा सहित टिके हलदी एवं टिके फिटकिरी मिसाई दियंतु एवं शिव पार्वती विवाह होउथवा फोटो गुटे घरे छुआ को पूजा करबा कहंतु जो पहाड़ उपर शिव मंदिर थिबे तांको पूजा अर्चना करी सेठी खंडे पत्थर शिवंक नारे प्रणाम कर धरिकि आसंतु एवं से पत्थर टिकु मध्य विवाह पर्यंत पूजा करबा एडवाइस दियंतु बाकी रहला कर्म जीवन रो कथा
ये जातकरे कर्म कर्माधिपति चंद्रमा नवम भाव सुंदर भाव अवस्थान करुछंती तो कर्म जीवन प्रारंभ रे कोनोसी असुविधा देखा जाऊनी 2021 रे शेषार्ध 2022 रे आरंभ बेळकु इच्छुआर सुंदर कर्म जीवन रो जोग देखा जाउछंती। एबे आउ जने दर्शक आम सहित कनेक्ट अछंती। हेलो हेलो की कहुथिले कोड कहुथिले सुनि पारुछंती मते? हेलो बोधे किसी टेक्निकल प्रॉब्लम पाई फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो सारी। एवं आउ जन दर्शक आम सहित फोन लाइन रे कनेक्ट अच्छा। हेलो हेलो शुणी पार मत किए कहते कौट कहते नोट करते किए कहते आपचय क्या विषय जानवाक चाहिए डेट अफ बर्थ टाइम दिखा 6 फरवरी 1994 टाइम कहुंतु 7:55 सकाळ आज्ञा। जन्मस्थान कोठी? जाजपुर। कौन क्वेश्चन अछि? आज्ञा बीटेक कंप्लीट करछि आ गवर्नमेंट जॉब पे ट्राई करछि आ जॉब ता केबे मिलियो टिके कहि पते। शुक्र महादेश चली चंदी जातक रे कर्माधिपति होउचंती मंगल मंगलक घरे राहु चंद्रमा ग्रहण जोग तैयारी करचंती मंगल द्वादश भाव अवस्थान करचंती त कर्म जीवन पई जति की बाधा बंधन प्रतिबंधक आसीबा कथा कर्म जीवन रे विलंब होबा पई जति की घटना बा जति की खराब जोग आसीबा कथा बंधु ये जातक रे सब कथा अछंती कारण द्वादश भाव रे रवि शुक्र मंगल युक्त हले कर्माधिपति उचिनी मंगल मंगलक घरे राहु चंद्र युक्त हले ये मध्य खराब जोग मध्य तैयारी करचंती। आपनको प्रश्न अछि जे केभे कर्म जीवन आरंभ करुछन्ती ये तो केतु आरंभ होइ जे 2021 अक्टोबर रु 11 अक्टोबर 2021 रु केतु आरंभ होइ जिवे केतु तो अवस्थान करुछन्ती शुक्रंक घरे ये जातकृत कर्माधिपतिंक सहित शुक्र व्याधिपति अछन्ती तबे आपनको कर्म जीवन केमिति प्रारंभ होबो तो कर्म जीवन 2021 अक्टोबर पर आरंभ हेले मध्ये हुई तो आपंकर सहित भल न पड़ पारे सहित आपंकर भल न पड़ पारे। बंधु गोटे कथा मन रखिबे जे आपंकर बारंबार कर्म को परिवर्तन करने को पड़ी पारे दुईटी प्रतिकार निश्चय करे कर्म जीवन प्रारंभ रे खराब हो। प्रथम प्रतिकार टी है गोटे अर्धचंद्र निर्माण कर शिव मंदिर रे दान कर दिंतु सप्तशती चंडी पाठ प्रयोग निश्चित भाव कर दिंतु प्रत्येक दिन डेली रुटीन रे आप तीन थर हनुमान चालीसा निश्चित पढ़े एवं केबे भी आप लाल कलर रेड कलर कु परिधान करंतु नाही व्हाइट कलर को परिधान करंतु नाही पूरा धला पूरा लाल नुहे अलगा कलर मिसिक रे जदे लाल आउ रेड कलर अछि व्हाइट आउ रेड अछि से कथा अपन को चलिबो मु जहा सब प्रतिकार कले से सब करै नियंतु निश्चित भाबरे अपन को कर्म जीवन ऊपर भला प्रभाव पड़िबो। एबे आउ जन दर्शक हम से तचंती। हेलो 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 सुनि पारु जनि मते के कहथिले कोड कहथिले? आज्ञा हम कटक रो कहथि। अपन को ना कहंतु जन्मस्थान कोठी कटक कौन क्वेश्चन अच्छी रोजगार माने बिजनेस करार को मांगी जाउ छी ओरा सुविधा होछ 2023 पर्यंत ये जातक रे बृहस्पति महादशा रहिबे दशम भाव रे बृहस्पति शनि युक्त अछंती बृहस्पति महादशा वर्तमान चली चंती ये जातक रे अंतरदशा रे वर्तमान अछंती राहु राहुंकर स्थिति ये जातक रे अष्टम भाव रे अजथा रे शत्रुंकर वृद्धि घटिबो अजथा रे लॉस हबो जे कोनसी कार्य रे आपण हात देबे सेहिथिरे आपण क्विट करने को चाहिए छाड़ी देवा को आप चाहिए ये स्थिति आपन को जातक रे 2023 10 अप्रैल 2023 पर्यंत रहइबो। 2023 सरला जिते शनि ये जातक रे दशम भाव रे बृहस्पति शनि युक्त अछंती द्वितीय एवं तृतीय अधिपति होचंती जातक रे शनि निश्चित भाव रे आपन के इंप्रूवमेंट रे समय 10 अप्रैल 2023 रु 2026 पर्यंत सुंदर भाव रहइबो आपन जहाँ भी चाहिए से समय रे करि पारिबे किंतु 2023 पर्यंत जेहेतु बृहस्पति रे राहुंकर अंतरदशा चली चंदे से पर्यंत अत्यंत
ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟିଭ୍ ସମୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଆସିବ। ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ନେବେ। କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଉସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରି ଚୁପଚାପ ସେଇ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ବି ଏରିଆରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ହଳଦୀଟିକୁ ନେଇଥିବେ ସେଇଠି ପୋତି ଦେଇକରି ଆପଣ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରୁଟିର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଘରେ ରାହୁ ରହିବା ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଳବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରୂପାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ରୂପାର ମୁଦି ସହିତ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, ନିଜେ ମୁଁ କହୁଛି, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପୁଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଁରେ କିଛି ନଥାଏ, ତା ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେତେବେଳେ ପାମ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ପାମ୍ର ହସ୍ତରେଖାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ଭାଗ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ଦିନମଣି ମିଶ୍ର କହୁଥିଲି ପୁରୀରୁ। କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ। ଝିଅର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 11/1/2003। 11/1/2003 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 2:36 ମାନେ ଖରାବେଳ 2:36। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ପୁରୀ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ବିକମ୍ କରୁଛି, ତାର ଜବ୍ କେମିତି ହବ? ଆଉ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ବିରକ୍ତ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବାହାଘର ତାର କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ମୋତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାର କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁତି କରିଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ସହିତ, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଏ ଜାତକରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଅତଃ ଏହାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବାକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, କେତୁ ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶା, ଶନି ରାହୁଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ଅତଃ ଇଏ ଛୁଆ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆର, ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାର ବହୁତ କାରଣ ଏ ଛୁଆର ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 2023ରେ ହିଁ ଏହାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାଘର ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 January 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଛୁଆର ଆପଣ ବାହାଘର ନା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଏ ଛୁଆକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଛୁଆ ମୋଟେ ବି ରାଜି ହେବନି। କାରଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ଇଏ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ଏବଂ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦୁଇଟି କଥା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ଆପଣ ଇଏ ଛୁଆକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସୁନାର ମୁଦି, କେବଳ ରିକ୍ତ, କୌଣସି ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସୁନାର ମୁଦି, ଏହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଉଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପାତ୍ର ନେବେ, ତା ଦେହରେ ତେଲ ପୁରା ଭରିଦେବେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପଇସା ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଏ ଛୁଆକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମହୁ ଦଧିରେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଲୋକ, ମହୁ ଦଧିରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। 2023 ପରେ ଛୁଆର ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ
ରବିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆସିବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, 23-25 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଏବେ ବଳକା ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସମୟ, ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦିନଟିରେ ସତର୍କ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ଅଟକିଥିବା ରହିଥିବା ହେଇପାରୁନଥିବା କାମକୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶେଷ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ହଳଦୀ ଏବଂ କେଶରକୁ ମିଶାଇ ଟିକେ ତେଲ ତିଲକ ବଥାର ଲଗାନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଚୌର ଭୟ ରହିବ, ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ 8th house ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିବେ, ତ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ବି ସତର୍କ ରହିବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନି ଏମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାହା ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ତିଆରି ହେବ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ରାଶି, ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପନ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ହଜିଯାଇପାରେ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସଲେଣ୍ଡର କରିନିଅନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ବଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା କବଚର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଏ ତ ଥିଲା ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଧେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ସମୟ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ପେନ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନର ଦିବ୍ୟ ଦିନ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, କାରଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ସୁହାଗନ ସାମଗ୍ରୀ, ସିନ୍ଦୁର ହେଲେ, କାଚ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତର ପାଠ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଘଟେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଘଟେନି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଦିନ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ନିଜ ତିଜୋରିରେ ନେଇ ଆପଣ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତିଜୋରି କେବେ ଖାଲି ହୁଏନି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଦିନ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସର୍ବତ, ଦହି ସର୍ବତ ହେଲା, କ୍ଷୀର ହେଲା, ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ କେଶର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଚିଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ପୂରର ଆଳତୀ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ବିବାଦରନ୍ତ ହୁଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଦିନ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥି, ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥି ଆପଣ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ
मानसिक रखंतु से कार्य आपणकर सिद्धि हबो निश्चित भाव रे सिद्धि हबो। इतना आज कार्यक्रम समय ही सारी सब पॉइंट पड़ा मास्क पिंधतु सामाजिक दूरता रक्षा करंतु करोनार महामारी को निजे रक्षा हुंतु एवं समग्र विश्व को रक्षा करंतु समग्र भारत को रक्षा करंतु समग्र ओडिशा को रक्षा करंतु सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु एक कथा सहित विदाय दिंतु पुणि देखा आप सहित आज पाई इतनी रोची नमस्कार।